हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पारमिता'स किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चीज में। एक इंडो चाइनीज रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे राइस, चाउमीन, रोटी सबके साथ खा सकते हैं। पहले हम चिकन लेंगे जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें तकरीबन 400 ग्राम बोनलेस चिकन है। अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए डालेंगे 1 egg, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक, ब्लैक पेपर स्वाद अनुसार और 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। मैं अपने हाथों के इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों से इसे मैरिनेट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब देखिए पूरा मिक्स हो गया ये। अब इसे तकरीबन 1 घंटा तक आपको रखना पड़ेगा मिक्स करके। अब जितने देर तक रखेंगे उतना सॉफ्ट होगा ये चिकन। ग्रेवी के लिए जो चाहिए वो है स्लाइस ऑनियन, स्लाइस कैप्सिकम जो शिमला मिर्च कहलाता है, और चाहिए चॉप्ड गार्लिक और चिली। और सॉसेस में लगेगा इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस जिसे हम केचप कहलाते हैं, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और शुगर। ये आप स्वाद अनुसार दे दीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हैं। ये हमारा सॉस रेडी हो गया। अब हम गैस में कढ़ाई को देंगे और कढ़ाई में ऑयल हीट हो गया। अब इसमें हम एक एक करके चिकन डालेंगे जिसे अच्छी तरीके से पकाना है। और आप इसको लो मीडियम फ्लेम में रखिए। हमारा चिकन रेडी है और इसे हम चिकन पकौड़ा कहेंगे। अब इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब ग्रेवी के लिए हम कढ़ाई में ऑयल हीट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे डाली है जो कि रिफाइंड ऑयल है। इसमें हम डालेंगे गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज और ऑनियन। अब इसमें पकौड़ा ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाना होगा एक साथ। हाई फ्लेम में हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, फिर इसे मिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें डालेंगे वो जो सॉसेस वगैरह थे जो पहले से ही हम तैयार करके रखे हुए थे, वो सारा सॉसेस डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला रहे हैं। थोड़ी देर अच्छी तरह से इसे पकाना है। यहाँ पे गैस को हम थोड़ा सीम कर देंगे और अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। बस थोड़ी देर बाद
चिली चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए अब इसमें कलर भी आ गया है, रेस्टोरेंट की तरह ही दिख रहा है। अब हम इसको गैस को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।